हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षा नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर। पीडियाट्रिक नर्सिंग में हम कौन सा टॉपिक है हमारा, ड्रग कैलकुलेशन इन पीडियाट्रिक्स। मीन्स बच्चों में हम किस तरह से ड्रग को कैलकुलेट करते हैं, बच्चों की डोज कितना डोज हमें देना है उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, वही सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अडल्ट के लिए जो फॉर्मूले यूज़ होते हैं वो अलग होते हैं और बच्चों के लिए जो फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं ड्रग कैलकुलेशन में वो अलग होते हैं। तो दोनों तरह के फॉर्मूलेज हमें पता होने चाहिए। आज की वीडियो में सिर्फ हम पीडियाट्रिक के लिए जो हम ड्रग कैलकुलेशन में फॉर्मूलेज यूज़ करते हैं, कौन से रूल यूज़ किए जाते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके जो बाद आने वाली जो वीडियो है उसमें हम अडल्ट की बात करेंगे। ठीक है, और एक वीडियो हम ऐसे भी बनाएंगे जिसमें हम इंट्राविनस फ्लूड से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ आज हम बच्चों में जो ड्रग कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूले यूज़ करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। इससे पहले हम क्या है, कुछ यूनिट्स का आपको पता होना चाहिए। उस यूनिट्स को जैसे जो 1 किलोग्राम है, ठीक है, 1 किलोग्राम कितने ग्राम के इक्वल होता है। ठीक है सर, कितने होता है 1000 ग्राम के। इसी तरह से अगर 1 ग्राम की बात करें वो कितने मिलीग्राम के लिए इक्वल होता है, वो भी 1000 मिलीग्राम। ठीक है, अब 1 मिलीग्राम इक्वल टू कितने वन मिलीग्राम इक्वल कितने माइक्रोग्राम के इक्वल होता है, तो वो होता है हमारा 1000 माइक्रोग्राम। ठीक है, ये चीज़ भी कई बार क्वेश्चन में MCG भी दे देता है माइक्रोग्राम में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो 1 मिलीग्राम है वो 1000 MCG के माइक्रोग्राम के इक्वल होता है और 1 MCG यानी माइक्रोग्राम 1000 नैनोग्राम के इक्वल होता है। ठीक है, ये रेयर पूछते हैं मगर आपको पता होना चाहिए। मेन आपका यहाँ से जो है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से जो है क्वेश्चंस में आपको इन यूनिट्स में मिलता है। ठीक है, यहाँ तो 1 ग्राम में देते हैं, मिलीग्राम में भी मिल जाता है और 1 मिलीग्राम इक्वल टू 1000 MCG माइक्रोग्राम होता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो 1 kg इक्वल टू, अगर हम पाउंड्स में बात करें तो 1 kg इक्वल टू 2.2 पाउंड्स होता है। ठीक है, और LBS की बात करें तो हमारा जो पाउंड्स हैं या फिर LBS, ठीक है, दोनों सेम है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो 1 kg इक्वल टू 2.2 पाउंड्स या फिर कितना LBS होता है, तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसी तरह से 1 लीटर कितने 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये सारे जो यूनिट्स हैं आपको हमेशा याद होने चाहिए, तभी आप किसी भी जो क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, तो आपके कोई मिस्टेक्स नहीं होगी। ठीक है, अब हम अपने जो रूल्स हैं मेनली क्या कौन कौन से रूल्स यूज़ होते हैं पीडियाट्रिक के अंदर वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो पीडियाट्रिक के अंदर रूल होगा, फर्स्ट रूल है वो हमारा फ्राइड रूल। फ्राइड रूल होता है 0 से लेके 1 ईयर तक के बच्चे के लिए। ठीक है, फ्राइड रूल, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, बिलो वन ईयर हम ये जो है फ्राइड रूल हम यूज़ करेंगे। तो फ्राइड रूल में क्या होता है कि फ्राइड रूल इक्वल टू एज ऑफ, ये किसके इक्वल हो गए, इक्वल टू एज ऑफ चाइल्ड इन मंथ्स। ठीक है, क्योंकि हमने किसके बात की है, बिलो 1 ईयर, तो बच्चा किस में, उसकी जो एज है मंथ्स में होगी, अपॉन में 150 और इन टू यहाँ पर हमारी अडल्ट जो है डोज होगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगा हमारा फ्राइड रूल का, फ्राइड रूल जिसमें जो है एज है बच्चे की मंथ्स में लेते हैं। ठीक है, नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 150 से हम उसको डिवाइड करेंगे और इनटू में अडल्ट डोज होती है। ठीक है, अडल्ट डोज हमारी क्वेश्चंस में हमेशा गिवन होती है। तो नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो है हमारा यंग्स रूल, यंग रूल। अब यंग रूल क्या है, ये हमारा बिलो वन ईयर से, और यंग रूल होता है हमारा 1 ईयर से 12 ईयर तक। ठीक है, 1 से 12 ईयर तक हम यंग रूल यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आता है एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर्स अपॉन में एज ऑफ चाइल्ड, ये भी ईयर्स के अंदर ही होगी, प्लस में 12 और
इंटू एडल्ट डोज, एडल्ट डोज ये हमारा कौन सा हो गया, यंग रूल्स, जब बच्चे की एज हम 1 से लेकर 12 के बीच में होती है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको बिलो 1 ईयर के लिए कौन सा ट्राइड रूल है और अबव 1 ईयर से 12 ईयर तक हमारा यंग रूल है। तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे। अब इसमें एक और फार्मूला बनता है, वो आपका क्लार्क रूल। ठीक है, कौन सा है, क्लार्क रूल। जो क्लार्क रूल है वो हमारा, जैसे ये एज के हिसाब से थे ये 2 फॉर्मूले, वो हमारा वेट के हिसाब से होता है। ठीक है, और वो जो फॉर्मूला है किसी भी एज ग्रुप के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा हमारा क्लार्क रूल। क्लार्क रूल में क्या होता है, किसके ये फॉर ऑल एज, के एज ग्रुप लिख सकते हो। क्लार्क रूल को होता है एज, सॉरी वेट ऑफ चाइल्ड इन पाउंड्स। यहाँ पे आपको याद रखना है ये फॉर्मूला किस में, पाउंड के अंदर है, वेट होना चाहिए अपॉन में 150 और इनटू एडल्ट डोज, एडल्ट डोज। तो ये हमारा कौन सा हो गया, क्लार्क रूल। क्लार्क रूल हमारा, आपने डिफरेंस क्या है बाकी 2 फॉर्मूले से, इसमें जो है बच्चे का वेट से हम जो है डोज निकालते हैं। ठीक है, वेट ऑफ द चाइल्ड इन पाउंड्स, पाउंड्स के अंदर वेट होना चाहिए, डिवाइड बाय 150 इनटू एडल्ट डोज, जो किसी भी एज ग्रुप के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो 3 फॉर्मूले हैं, फ्राइड रूल, यंग रूल और क्लार्क रूल, ये मेनली हम बच्चों के लिए यूज़ करते हैं ड्रग कैलकुलेशन के अंदर। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको इनको याद करने में ईजी रहे। ठीक है, आप जो क्वेश्चंस में या फिर जो आपके एग्जाम्स में भी आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप इसके साथ के साथ आप इसमें मेरे साथ आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं किस तरह से हम आप फॉर्मूले को यूज़ करोगे। फर्स्ट जो इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जो चाइल्ड की जो एज है वो हम रख लेते हैं 3 मंथ्स, और इसमें जो एडल्ट डोज है, एडल्ट डोज हम 600 mg। ठीक है, तो एज आपको ध्यान देना है कि 3 मंथ्स बोला है मैंने और अडल्ट की डोज 600 mg है। अब आप इसमें सोचना है आपको कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो 3 मंथ्स है मीन्स बिलो 1 ईयर है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, फ्राइड्स रूल। ठीक है, तो फ्राइड्स रूल के अकॉर्डिंग हम जो चाइल्ड की जो चाइल्ड डोज ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, चाइल्ड डोज को इक्वल टू चाइल्ड डोज इक्वल टू अप डिनोमिनेटर में क्या होगा हमारा, एज ऑफ चाइल्ड इन मंथ्स, तो 3 मंथ्स डिवाइड में कितना आएगा 150 मल्टीप्लाई में अडल्ट डोज, अडल्ट डोज कितनी है 600 mg, तो ये हमारी चाइल्ड डोज निकल आ जाएगी। ठीक है, कितना हुआ 15 15 4 60, तो 12 mg टोटल, तो 12 mg हमारी क्या होगी चाइल्ड डोज। तो सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमारा जो हमने फ्राइड रूल से हम चाइल्ड की डोज हमने निकाल दी कि 12 mg हमें उस बच्चे को देना है। ये तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं। ठीक है, उसमें हमारा जो चाइल्ड की जो एज है वो हम लेंगे 6 ईयर्स की। ठीक है, इसको मैं लिख लेती हूँ फटाफट, चाइल्ड की जो एज है 6 ईयर्स और एडल्ट की जो डोज है वो है आपकी 480 mg, और आपको चाइल्ड की डोज निकालनी है, चाइल्ड डोज। अब यहाँ पे फिर से आपको देखना है कि जो चाइल्ड की एज है वो कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 6 ईयर्स यहाँ पे गिवन है, 6 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला कौन सा होगा, यंग रूल आप इसमें यूज़ करोगे। ठीक है, तो यंग रूल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या था चाइल्ड डोज निकालने का, एज इन ईयर्स। ठीक है, एज इन ईयर्स मीन्स 6 ईयर्स अपॉन में एज इन ईयर्स प्लस में 12, तो 6 प्लस 12 और इनटू एडल्ट डोज, एडल्ट डोज कितनी होगी आपकी 480 mg। ठीक है, तब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 6 18 into 480, 6 3 18 और ये आपका आएगा 3 1 3 160
mg आपकी चाइल्ड डोज आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यंग रूल इसमें पुट कर लेना है। तो मेन आपका है कि आपको चाइल्ड की एज देखनी कि वो कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप फ्राइड रूल यूज़ करोगे या फिर यंग रूल यूज़ करोगे। ठीक है, एक और कैलकुलेशन करते हैं, उसमें आप देखोगे कि किस तरह से फॉर्मूला आपको यूज़ कर रहे हो। ठीक है, उसमें जैसे चाइल्ड के जो वेट है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन में क्या है, चाइल्ड का वेट दिया हुआ है, चाइल्ड वेट मान लो आपका दिया है 8 kg, और जो एडल्ट डोज दी आपकी 750 mg, और अब आपसे पूछा है कि चाइल्ड की डोज कितनी दोगे, चाइल्ड की डोज कितनी दोगे। तो अभी आपको देखना है कि आपको क्वेश्चंस में गिवन क्या है। ठीक है, तो गिवन यहाँ पे क्या है कि जो चाइल्ड का जो वेट दे रखा है आपको, एडल्ट की डोज दे रखी है, और आपको चाइल्ड की डोज है वो निकालनी है। तो मीन्स यहाँ पे जो बच्चे की जो एज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वेट की बात हो रही है। तो वेट की बात हो रही है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्लार्क रूल। ठीक है, तो क्लार्क रूल में हमने किस तरह से निकालेंगे, वेट ऑफ चाइल्ड इन पाउंड। ठीक है, तो हमने पाउंड में वेट लेना है, तो यहाँ पे हमारा वेट किस में है, केजी में। तो केजी से पाउंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 × 2.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि 1 kg = 2.2 pound होता है। ठीक है, तो 8 को हमने 2.2 से मल्टीप्लाई किया, अपॉन में 150 रखना है, इंटू एडल्ट डोज कितनी दे रखी है, 750 mg। तो कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ गया, 8 × 16 और 17, ठीक है, अपॉन में 150 × 750। इसको अगर हम नीचे ले लेते हैं तो कितना हो गया, 15 × 1 = 15, 5 × 75। तो आपको रिजल्ट कितना आता है, 5 × 6 = 33, 5 × 7 = 35, 38, 3 × 5 = 8। ठीक है, हाँ जी, 88, और नीचे एक जीरो बचा हुआ था यहाँ पे, 88 आपका आ जाता है। ठीक है, तो डेसिमल का हम यहाँ पर लगाएंगे, तो 88 mg कितनी हो गई, चाइल्ड की डोज हो गई। तो इस तरह से हम इसको क्लार्क रूल को यूज़ करते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जो वेट आपको दिया है वो पाउंड में दिया हुआ है या फिर किस में, केजी में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के भी एग्जामिनर पूछ सकता है आपको, इस तरह से बोल दें कि एट बर्थ जो है बच्चे का वेट था 3 kg। ठीक है, एट बर्थ है बच्चे का, एट बर्थ जो वेट है वो 3 kg है, और आपको सिर्फ क्या दिया है, एडल्ट दो ये गिवन नहीं है, एडल्ट डोज पता है आपको 750 mg, बर्थ में 3 kg बता दिया। अब आपसे पूछा उसने कि जो चाइल्ड डोज कितनी, 1 year पे कितनी होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एक और क्वेश्चन बन गया कि बर्थ वेट दे रखा है, एडल्ट डोज दे रखी है, और चाइल्ड डोज की 1 year पे चाइल्ड डोज कितनी हम देंगे बच्चे को। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि 1 year पे जो बच्चे का जो है वेट कितना हो जाता है, ट्रिपल। ठीक है, तो यहाँ पे 1 year का जो उसका वेट कितना होगा, 9 kg। ठीक है, तो 9 kg उसका आप जो वेट मानोगे बच्चे का, और एडल्ट का आपका जो डोज पता ही है, तो इसी तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जो 9 kg, 9 × 2.2 अपॉन में आपका 150 × 750। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो कितना आएगा देख लीजिए, 2 × 9 = 18, 8 × 2 × 18 = 19 = 75। ठीक है, 5 × 8 = 40, 4 × 5 = 45, 49, 4 × 5 = 59। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका क्या है, 99 जो mg है वो आपकी चाइल्ड की डोज आ जाती है। तो घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको माइंड लगाना है कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहीं से आपके सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, बस आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो आपके क्वेश्चंस कोई भी हो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, कोई मिस्टेक्स नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारे इतने ही, हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, फ्राइड रूल, यंग रूल और क्लार्क रूल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो एडल्ट की जो ड्रग कैलकुलेशन है वो कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।